हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर देखने वाले जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है वो है कार्बोकोटाइंस, कार्बनाइंस, कार्बिन और कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बोकोटाइंस या कार्बनाइंस आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, या तो आपके डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, या आपसे यहाँ पर ऑर्डर पूछा जा सकता है कि कार्बोकोटाइंस का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, कार्बोकोटाइन का ऑर्डर क्या होता है आपका, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री वाले कार्बोकोटाइन आपके ज़्यादा स्टेबल होते ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी यहाँ पर आपको अरेंज यहाँ पर करना पड़ सकता है कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं कार्बोकोटाइन और कार्बनायन से। ठीक है, सिमिलर आपका फ्री रेडिकल भी इंपॉर्टेंट है और कार्बिन्स भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है। कार्बिन्स आपका क्लास 11th और 12th में नहीं था। ठीक है, कार्बिन्स आपका यहाँ पर नया है। कार्बिन्स होते क्या है आपका, जब आपका कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर और दो आपके बॉन्ड ऐसे आते हैं तो ये आपके यहाँ पर कार्बिन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या आपके पास, वो है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन और साथ में जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आपसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, उनके एग्जाम्पल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसके दोनों इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है आपका यहाँ पर जो इफेक्ट आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है और मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन का आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इनकी डेफिनेशन होगी, साथ में जो इनके एग्जांपल्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, इनके ऑर्डर्स आपके इंपॉर्टेंट है। खाली आपको डेफिनेशन यहाँ पढ़ के नहीं जानी है, आपके जो इसके ऑर्डर्स है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर आपका रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आ सकता है। एनिलीन का आपका आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, तो ये सब भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या आपके पास, यहाँ पर होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन, तो दोनों ही आपकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स आपको मिलते हैं, इसमें आपको मिलते हैं यहाँ पर आयंस मिलते हैं। ठीक है, जहाँ आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है वहाँ आपको ए और बी दो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, और हेट्रोलिटिक फ्यूजन में आपको ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव मिलता है, तो इनकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। फिफ्थ के आपके पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन आती है, जो सब्सिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एडिशन रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, तो उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन भी को भी अच्छे से करना है और साथ में एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पर बताने हैं। सिक्स आता है आपके मैकेनिज्म वाला पार्ट। ठीक है, तो मैकेनिज्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है आपकी, है कि आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। एलिमिनेशन में क्या आता है आपका, E1 E2 हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का क्या हो गया आपका, SN1 SN2 हो गया। ठीक है, साथ में आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हो गया आपका किसका, नाइट्रेशन का, हैलोजिनेशन का, सल्फोनेशन का और फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन का। ये सब आपने क्लास 12th में ही पढ़े थे, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन वाले, तो वही जो मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसकी वीडियो में अलग से बना रखी है, वो आप जाके देख लेना। सेवन्थ आपका क्या है यहाँ पर, स्टीरोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक है वो आपका आइसोमेरिज्म का है। ठीक है, जो चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, तो इनकी डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है और साथ में आपको एग्जांपल भी दिया होगा कि भाई ये आपका चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है, तो ऐसे भी आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो आता है आपका स्टीरोकेमिस्ट्री में, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिमिलर है भाई आपका सिस और ट्रांस वाला, इससे भी आपके डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। थर्ड आपका फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, जिसमें आपके DLRS कॉन्फ़िगरेशन है वो वाला भी आता है आपका। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे आपके यहाँ पर कंपाउंड्स के फिशर प्रोजेक्शन बनते हैं, वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर आता है आपका इनेंशियोमर्स हो गया, डाइस्टीरोमर्स हो गया, रेसिपिक मिक्सचर है, मेजो कंपाउंड्स है, तो इन सबकी डेफिनेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और साथ में जो कंपाउंड्स कैसे यहाँ पर शो करते हैं इनेंशियोमर, डाइस्टीरोमर्स, वो भी आपको यहाँ पर देख के जाना है। ठीक है, फिर आता है आपके यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन, EZ सिस्टम फॉर ज्योमेट्रिकल और आइसोमर्स। ठीक है, तो ये सब भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। DL कॉन्फ़िगरेशन लैक्टिक एसिड का, जो आप जो भी होता है RS कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो ये आपके सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, RS और DL, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इसमें RS वाला है और एक DL वाला है। ठीक है, तो दोनों को आपको अच्छे से देखना है। फिर क्या आता है आपके यहाँ पर, कुछ आपकी नेम रिएक्शन है एल्केन्स में, जैसे आपका यहाँ पर कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस है, वुड्स रिएक्शन होगी, ग्रिगनार रिएक्शन होगी, बेस रिडक्शन भी आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इससे भी अभी कभी पूछ लेता है आपका मैकेनिज्म, तो कोरी हाउस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्केन में, कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। ठीक है, जिसमें आपका लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट से रिएक्शन होती है। फिर आता है आपका साइक्लोएल्केन्स का पार्ट, तो हमने पहले भी पढ़ा था इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आपका आता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, सेकंड आपका सेशेमोर थ्योरी और रिंग ओपनिंग रिएक्शन, जिसमें आपका बेयर स्ट्रेन थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अच्छा फिर 10th आपसे ओजोनोलिसिस भी पूछ लेता है, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन आपकी क्या होती है वो भी आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस भी आपको यहाँ पर देख के जानना है, जब आपकी ओजोन से रिएक्शन होती है फिर आपका जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करता है, ठीक है। 11th की आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, इसके आपके जो मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट है। और जब आपका जो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड होती है तो आपके दो कंपाउंड यहाँ पर बनते हैं, तो उसको भी आपके यहाँ पर मैकेनिज्म को देख के जानी है, ठीक है, रिएक्शन भी और मैकेनिज्म भी। तो 1,3-ब्यूटाडाइन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे इसका क्वेश्चन आपका आया था 2019 पे, ठीक है। और एक और आपसे पूछा जाता है यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर सब्सट्रेट दे दिया होगा उसकी आपकी रिएक्शन कराई होगी किसी रिएजेंट के साथ, ठीक है, आपसे बोला होगा कि आपका ए कंपाउंड बन रहा है, फिर ए की किसी और के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, तब आपका बी कंपाउंड बन रहा है, तो ए बी के नाम आपको यहाँ पर बताने पड़ते, तो ऐसे भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर रिएक्शन को देखना पड़ेगा कि कैसे आपके यहाँ पर रिएक्शन ये होती है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप अच्छे से देख लेना। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कुछ को हम डिस्कस करेंगे, कुछ मैंने आपके डिस्कस यहाँ पर पहले ही कर दिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।